चले बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर नावा शहर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण का लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में शुभारंभ किया और इस दौरान उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव, जाल विधायक मंजू मेघवाल समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। समारोह में गहलोत 21 किलो की माला पहनकर हॉकी भेंट कर उनका स्वागत किया गया। तो इस समय अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की वजह से प्रदेश में खेलों का नया आयाम स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के जनहित कार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से आम जनता जुड़ी है। संस्कृति संस्कार परंपरा प्राप्त करें जिससे कि आने वाला कल का जो भविष्य देश का है वो तमाम युवाओं के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हम नई पीढ़ी को क्या रास्ता दिखाएं और ये सोच करके ये जो एक शुरुआत की गई है क्योंकि खेल जगत में हम लोग बहुत पीछे दुनिया के मुल्कों में। तो नागौर से भी हर जिले से अच्छे खिलाड़ी ढूंढ करके लेकिन रुचि बचपन से जिस खेल में है उस खेल में खोज करके उनको फिर कैसे अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छे खिलाड़ी बन के जिले का नाम, गांव का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे। तो कृपा करके जो काम करने वाला है उसके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना चाहिए जिससे और उत्साह के साथ जो आपकी सेवा कर सकें, आपके सुख दुख में काम आ सके, मिलता जो भागीदार बन सके। क्या नहीं हुआ आपके यहाँ बता दीजिए। आप युवाओं को छात्रों को समर्पित बजट पेश हो इस बार जो मेरा अंतिम बजट है अभी इस टर्म का। अगली टर्म तो आप लोग आशीर्वाद दोगे तो सरकार वापस बनेगी, पर इतना मैं कह सकता हूँ इन 5 सालों में जो काम हुआ है वो बेमिसाल काम हुआ है। पानी की योजनाएं शानदार प्रदेश के अंदर, बिजली किसानों को, जितने पेंडिंग किसान के कुओं के कनेक्शन हैं सब मैंने घोषणा कर दी 2 साल में सब लगा दिए जाएंगे। आप ज्ञान प्राप्त जितना करोगे वो मोबाइल फोन गूगल क्या नहीं उसके अंदर है, दुनिया भर की जानकारी आप ले सकते, सब कुछ कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं के लाभ ले सकते हैं, ई मित्र ले जाते हैं आप लोगों को जानकारी आप उस मोबाइल फोन से ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब है सरकार एक के बाद एक जो कर रही है वो भी मिसाल है, ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ सब क्षेत्र में, क्योंकि बार 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 आती है खिलाड़ियों की। यहाँ भी हमने 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल कांस्य मेडल वो हमने दिया है जो हमारे जो खिलाड़ी अभी जीत के आए हैं पैरा ओलंपिक के अंदर भी उनको हमने देना शुरू कर दिया। आपके अवनी लेकरा है उसको स्वर्ण पदक मिले कांस्य तो मिला तो उसको 4 करोड़ रुपये मिल गए। कृष्णा नागर है स्वर्ण पदक जीता उसने पैरा ओलंपिक में उनको 3 करोड़ रुपये मिल गए कृष्णा नागर को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के दूदू में आमजन को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय जल मंत्री ईआरसीपी को लेकर प्रयास क्यों नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी राजस्थान मॉडल को अपनाएं, पूरे देश में शहरी रोजगार योजना शुरू करनी चाहिए। किसानों को बिजली देना रेवड़ी बांटना नहीं है, कोरोना काल में मदद करना रेवड़ियां बांटना था क्या। सीएम गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए, ग्रामीण ओलंपिक पूरे देश में आयोजित होने चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ विचारधारा की है। दूदू से में संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि जेजेएम का काम धीरे आगे बढ़ रहा है क्योंकि पानी का स्रोत नहीं है, नल लगा देंगे तो पानी कहां से आएगा। राजस्थान की परिस्थितियां अलग तरह की हैं, ईआरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करना चाहिए। सीएम गहलोत ने बाबूलाल नागर की तारीफ करते हुए कहा कि नागर ने दूदू की जनता का दिल
फाइनल जीत लिया। जो जिम्मेदारी दी गई नागर ने निभाई है। सीएम ने कहा कि छोटे छोटे देश ओलंपिक में पदक जीतते हैं, लेकिन हमारे देश में प्रतिभा होने के बावजूद ज्यादा पदक नहीं जीत पाते। ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से हम प्रतिभाओं को तलाश कर तराशेंगे। जो प्रयोग राजस्थान में हुआ वैसा देश में कहीं नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में ऐसे खेल का आयोजन हो।